तो कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने इसे लेकर कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लाए गए कृषि कानून से ही किसानों का भला होगा, कांग्रेस के विरोध और कानून के वापस लेने से किसानों का भला नहीं होने वाला। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अमर सिंह ने। समर्थन में कांग्रेस पार्टी एक झारखंड में एक बड़ी रैली की है और ये कहा जा रहा है कि उसी ये रैली वही है जो ट्रैक्टर रैली दिल्ली में 26 जनवरी को किया गया था। इन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं। तो किसान विरोधी राजनीतिक दल के रूप में अगर इस देश में कोई है तो कांग्रेस है। आज वहाँ पर वो घड़ियाली आंसू बहा करके विधवा विलाप कर रही है। सच तो है उनके कार्यक्रम में किसान नदारद, नेता फटाफट भाषण दे रहे थे और जनता के नज़रों में वो सफाचट दल है। ट्रैक्टर है लेकिन किसान नहीं। और सच ये है कि इन लोगों ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 लाख जो ऋण है किसानों का उसको हम माफ़ करेंगे। कहाँ गई वो वादे? इन्होंने घोषणा किया था कि हम किसानों के जो खरीद है, किसानों का जो फसल है, उसको 2100 रुपया MSP तय किया गया था। 1100 रुपये बिचौली वहाँ पर धान खरीद रहे हैं। तो आपके चैनल ने इसको दिखाने का काम किया था, इन बिचौलियों का चेहरे को उजागर करने का काम आपके चैनल ने किया था। और आज ये किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी इनमें थोड़ा भी नैतिकता है तो आज वो प्रायश्चित दिवस मनाए कि 1 साल की सरकार में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किसानों के हित में कुछ नहीं किया। पिछले सरकार की दी हुई योजनाएं जो किसान के हित में थी इसको खत्म करने का काम इन देश की जनता कांग्रेस को नज़रअंदाज कर चुकी है। राहुल जी को न किसान से मतलब है, न किसानियत से मतलब है, न खेत देखा है, न कल्याण देखा है, और वो किसानों की बात कर रहे हैं। आलू डालिए और सोना निकालिए, ये राहुल जी का बयान था। और आज उसी पार्टी के लोग किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप भी पहली बार मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री से और जेपी नड्डा जी भी पहली बार संगठन की मीटिंग में मुखातिब होगा, क्या किए जाएंगे? और पार्टी आज हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ देश की जनता की आकांक्षाओं की पूरी करने वाली एकमात्र पार्टी है। उसकी बैठक है बंगाल चुनाव के लिए, ये भी इस पर भी चर्चा हो सकती है। निश्चित तौर पर झारखंड के बगल में बंगाल है, हमारी भूमिका, हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं की भूमिका, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके सहयोगी की भूमिका अदा करते हुए इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में बने, ममता बनर्जी की सरकार का सफाया हो। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत।